जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, लोग भयभीत थे, कोरोना जैसी संक्रमण, कोरोना जैसी महामारी, कोरोना जैसी बीमारी सबको अपने चपेट में लेते जा रही है, और जिससे हम सब डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि यह बीमारी साधु संतों के पास भी पहुंच जाए। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक दिगंबर जैन मुनि को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दिगंबर जैन मुनि की चर्या सभी लोग समझते हैं, श्रावक समझते हैं, जैन समाज समझती है। 24 घंटे में एक बार आहार लेना, नग्न बदन रहना, जल भी एक बार ही ग्रहण करना, कोई औषधि नहीं लेना, ऐसे में दिगंबर जैन मुनि को कोरोना हो जाता है तो समाज के लिए, उस साधु समाज के लिए बड़ी चिंता की बात होती है। सागवाड़ा में मुनि अध्यात्म नंदी जी महाराज को कोरोना हो गया, पॉजिटिव आया है। किस तरह से वह अपने आप को 70-75 वर्ष के संत, किस तरह से वह अपने आप को जीवन के लक्ष्य को वह देख रहे होंगे, किस तरह से वह उस बीमारी से लड़ रहे होंगे, ये हमें सोचना है, विचार करना है। मैं देश के सभी श्रावक समाज से, श्रावकों से, श्राविकाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने गुरुओं को बचाने का प्रयास करें। धर्म सभाएं बंद होना चाहिए, मैंने खुद भी अपनी धर्म सभाएं बंद कर दी हैं, सामूहिक कार्यक्रम बंद कर दिए हैं, त्योहार जितने भी आ रहे हैं वह शांति से हमें मनाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अब भगवान को मंदिरों में नहीं अपने मन में खोजने का प्रयास करें, अपने जीवन में खोजने का प्रयास करें। सच्चे श्रावक वही है, सच्ची वैयावृत्ति वही है, सच्ची गुरु भक्ति वही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें और साधु की सेवा उसी तरह से करें जिस तरह से वह इस तरह की बीमारी से संक्रमित ना हो। यह हम सब श्रावकों का कर्तव्य है, साधुओं का कर्तव्य है, क्योंकि दिगंबर साधु की साधना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, एक कठिन तपश्चर्या होती है। मैं बहुत चिंतित हूँ और भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि उन संत को कोरोना से मुक्ति मिले और वह संत अपनी साधना में अडिग रहें, यही मैं भावना भा सकता हूँ। देश में जगह जगह चातुर्मास चल रहे हैं, संत बैठे हुए हैं, चाहे वह दिगंबर संत हो चाहे अन्य संत हो, संतों को इससे दूर रखें और श्रावक इतना उत्साह ना दिखाए कि संतों पे भीड़ करे, उनके चरण छुए, उनके चरण प्रक्षालन करे, उनके निकट आए। दूर रहकर भी भक्ति हो सकती है, जैसे हम संत लोग दूर रहकर भी भगवान महावीर का गुणगान कर लेते हैं, उन्हें अपने पास पा लेते हैं, श्रावक भी वैसा ही कर सकता है। समस्त त्योहार चाहे पर्युषण हो, चाहे रक्षाबंधन हो, कोई भी त्योहार हो, हमें दूर रहकर ही मनाना है, क्योंकि जीवन है तो त्योहार है, जीवन है तो श्रावक है, जीवन है तो मुनि है, जीवन है तो हमारा आचरण है। सबसे पहले प्राथमिकता हमें जीवन को देना है और इससे बड़ी सेवा दूसरी नहीं हो सकती है। यही आग्रह करूंगा, सभी लोग कोरोना से इतने ना डरे कि कोरोना हो जाए, और कोरोना से इतने भी निडर ना बने कि कोरोना हो जाए। संयमित जीवन जीने का प्रयास करें।